केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, जो घटनास्थल पर ही इस वक्त खड़े हुए हैं। संजीव जी, सबसे पहले हम चाहेंगे एबीपी न्यूज के दर्शकों को आप आंखों देखा हाल बताएं। देखिए, बड़ी दुखद घटना है, सभी घायल निकाले जा चुके हैं इस समय। सभी किसी 10-12 डब्बे जो पलटे हैं उनमें कोई घायल मौजूद नहीं है। सबको प्राथमिकता तौर पर निकालकर हॉस्पिटल में मेरठ और मुजफ्फरनगर हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया है। कुछ डेड बॉडी है, 2 डब्बे जो पलटे हुए हैं उनको काटने का प्रयास चल रहा है। क्योंकि ये प्रयास यही है कि घायलों को पहले निकाला जाए या डेड बॉडी निकाली जाए। जी, सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि जितनी जाने हम बचा सके उसे बचाने की कोशिश करें। जो बोगिया है उसके अंदर भी लोग क्या इस वक्त फंसे हुए हैं? जी नहीं, कोई, मैं बोगी में खुद अंदर गया हूँ, प्रयास किया मैंने अंदर जाने का जी। लेकिन मुझे लगता है घायल कोई मौजूद नहीं है, जो भी अंदर है वो सिर्फ डेड बॉडी है। तकरीबन कितने लोगों की जी संजीव जी, कितने लोगों की जान गई है, कितने लोग जख्मी हुए हैं, इस बारे में अगर आप बता पाए? मैं भी 5-6 हैं या मैं भी ज्यादा जी, लेकिन 4-5 डेड बॉडी मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है, जिसकी संख्या भी नहीं बता पाऊंगा। जो लोग वहां पर मदद के इंतजार में हैं, क्या उन तक मदद पहुंचाई जा चुकी है? सब मदद पहुंच रही है, सारी एम्बुलेंस दोनों जिलों की यही है, हॉस्पिटल अलर्ट पे है, जो मदद घायलों को है सारी मदद की जा रही है। जितने लोग वहां पर इस वक्त जहां तहां बैठे पड़े हुए हैं, उनको उनके घरों तक पहुंचाने के लिए किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं? आप चूंकि वहां पर मौजूद हैं, आप बेहतर बता पाएंगे सर। सबसे पहले प्राथमिकता घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाना है, वो अपने नहीं पहुंचाए हैं, इसके बाद अब दूसरा काम हम शुरू करेंगे। तो क्या जितने भी घायल हैं उन सभी को अस्पताल पहुंचाया जा चुका है? सभी घायल यहाँ से जा चुके हैं, उसको मुजफ्फरनगर हॉस्पिटल, उसको खतौली हॉस्पिटल और जो गंभीर है उनको मेरे हॉस्पिटल पहुंचाया जा चुका है। अभी वहाँ पर क्या चल रहा है संजीव जी, जहाँ आप मौजूद हैं? अभी 2 डब्बे जो पलटे हुए उनको काटने का काम चल रहा है, जिससे हम डेड बॉडी जो मृतक है उनको निकाल सके। संजीव बालियान जी, आपका इलाका है, हादसा किस वजह से हुआ जरा बताएंगे क्या आप हमारे दर्शकों को? अभी कुछ भी जी, घायलों को बताना है, हादसा क्या हुआ ये सब इसका काम है, बात में करेंगे। जो घायल लोग हैं वो कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं, अगर इसके बारे में आप बता पाए, लोगों से आपने बात की होगी? आपको थोड़ी देर बाद दे पाऊंगा जी। आप अभी फिलहाल क्या चल रहा है संजीव जी वहाँ पर? संजीव जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, अभी आप क्या देख रहे हैं, आपके आसपास क्या हो रहा है वहाँ? कोशिश यही है कि कटर से काटने की कोशिश की जा रही है। कटर से काटने की, यानी कि बोगियों को कटर से काटने की कोशिश की जा रही है, इसका मतलब अंदर कुछ लोगों की मौजूदगी है? कुछ डेड बॉडी अंदर है जिनको कटर से काटकर बोगियों से बाहर निकाला जा रहा है। हताहतों की तादाद कितनी है, आपको क्या जानकारी दी गई है स्थानीय प्रशासन की ओर से? चलिए संजीव बालियान जी, शुक्रिया। बस थोड़ी देर के बाद हम आपसे फोन करेंगे और ज्यादा जानकारी लेंगे। संजीव बालियान, केंद्रीय मंत्री जो मौके पर ही मौजूद हैं, उनकी ओर से बड़ी जानकारी दी गई है। आपको बता दें, जो बोगिया वहां पर हैं, जो पलटी हुई बोगिया हैं, उनको गैस कटर की मदद से काटा जा रहा है और उसके अंदर जैसा कि उन्होंने बताया कुछ डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, कुछ लाशें हैं, उनको बाहर निकालने की कोशिशें की जा रही हैं और साथ ही अस्पताल में लोगों को पहुंचाया जा चुका है, जितने भी लोग घायल हुए हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।